अस्सलाम वालेकुम जी, आज जुम्मतुल मुबारक है और इसका बाकायदा इफ्तिताह मेयर साहब कर रहे हैं। जब कल हम आए थे तो ये बाजार बिल्कुल वीरान था, आवाम भी नहीं थी, और जो आपको आम पब्लिक दिख रही है पीछे, ये तकरीबन पब्लिक है मेयर साहब के साथ। असल पब्लिक जब नजर आएगी, जब मेयर साहब ऐसे जाएंगे और फिर एक कहने के ग्राफ नजर आएगा कि वाकई लोग आ रहे नहीं आ रहे। तो अभी मेयर साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, इंशाल्लाह इनसे बात करते हैं इस बाजार के हवाले से। ये बचत बाजार लगा के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स सबके साथ तावन के साथ लगाया है, तो इसमें आवाम को बड़ा रिलीफ मिल रहा है और बहुत सारी जो रोज़मर्रा की अशियाँ हैं उनमें बहुत सारी कीमतों में कमी है। अच्छा कहा, सूबे के अंदर पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर हुकूमत बनाई है और यूँ पीपल्स पार्टी का चौथा दौर शुरू होने जा रहा है। कई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाकामी नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है सस्ते बाजार लगाने पड़ रहे हैं सूबे हुकूमत होने के बावजूद भी? देखें, आपको पहली बात कि मैं बताऊँ कि दुनिया में हर जगह पर रिलीफ मिलता है। आप जहाँ पर भी जाएँ दुनिया में आवाम को रिलीफ मिलता है, ख़ास तौर पर ऐसे अकीदत भरे महीनों में या जो बड़े दिन होते हैं उनमें। आप चले जाएं जहाँ पे भी, आप कौन से भी कंट्री में चले जाएं, वहाँ पे आपने आजकल देखा होगा कि वहाँ पे वो प्राइस में भी डिफरेंस रखते हैं कि इस महीनों में यहाँ पे। तो गरीब आवाम को हर दुनिया में हर मुल्क में एक तबका रहता है, तो वहाँ पे भी हर मुल्क में ये एक रिलीफ मिलता है जिस तरह से हमारे मुल्क में रिलीफ मिल रहा है। तो ये मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान पेपर सोसाइटी बड़ी कामयाबी है कि हम दुनिया के साथ चल रहे हैं, और जिस तरह से बेनज़ीर BSIP प्रोग्राम चल रहा है, जिस तरह से आवाम को रिलीफ मिल रहा है उसमें से, तो आप जिस भी एरिया में जाएँगे वहाँ पर आवाम को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बहुत सारा रिलीफ मिल रहा है। जैसे उस दिन 40,00,000 हैं लोग खानदान जो इससे फ़ायदा हासिल करेंगे 60%, ठीक है, 5,000 रुपये उनको मिलेंगे वहाँ पे इस माह रमज़ान में बचत के हवाले से। वैसे तो अच्छा कैसा अमूमन ये देखने में मिलता है जब भी कोई पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा इवेंट हो जाता है उसके बाद माली बेजाबती की देखने में मिलती है, बड़ी करप्शन होती है, क्या हम इस यानी कि बाजार से उम्मीद रख सकते हैं कि इसके बाद कोई करप्शन केस नहीं आएगा, कि काशिफ शोरों को अदालत बुला रही है या फिर म्यूनसिपल कमिश्नर को अदालत बुला रही है, सब कुछ देखने में आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो तारीख रही है वो उस तरह की कर रही है? देखिए, अदालतों का हमने हमेशा एहतराम किया है, हम जाते हैं, जाते रहेंगे, बुलाती रहेंगी, जाएंगे, हमारा फ़र्ज़ है, हमारे इदारे हैं, हमारे अदालतें। रही बात के करप्शन की, हम कोशिश इसके ऊपर भरपूर कोशिश है, यहाँ पे आप जितने भी मीडिया वाले खड़े हैं मैं आपके तवसल से सब तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आप जाएँ हर एक फ़र्ज से एक इंडिपेंडेंट आप इंटरव्यू करें, जो स्टॉल वाले हैं, जो परचेजर हैं, सेलर हैं, उन सब से कहीं पे भी एक डाट बराबर भी आपको नज़र आ जाए तो आप यकीनन उसको मीडिया पे लाएं। मीडिया पे चीज़ आएगी तो हम तक भी पहुंचेगी, तो कम से कम उसके ऊपर एक्शन होगा, ज़रूर होगा। अच्छा कहें साहब, आपका जो मेन काम है सफाई, यानी कि शहर में अमन कायम रखना और सफाई की सुरक्षा को बरकरार रखना, लेकिन देखने में आया है कि जो नुमाइंदों से हम बात करते हैं, कौंसलर से बात करें, चेयरमैन से बात करते हैं, वो अमले की कमी का बाइस बनाते हैं, वो फंड की कमी का बाइस बनाते हैं, और शहर के जब घूमने निकलते हैं तो देखने में मिलता है कि शहर गंदा हो रहा होता है, इसकी वजह क्या है? देखें, आपको पता है सॉलिड वेस्ट हमारी एक इदारा है जो यहाँ पर अथॉरिटी है जो काम कर रही है, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ हम भी मिलकर काम कर रहे हैं। तो सॉलिड वेस्ट यहाँ से जो भी गारबेज होता है वो डेली बेसिस पे लिफ्ट करके तकरीबन 1,000 से 1,100-1,200 टन डेली कचरा जाता है लैंडफिल साइड पे। तो इसके लिए बहुत सारी गाड़ियाँ भी है, अमला भी है, 1,500 से ज़्यादा अमला है, ठीक है। तो रोज़मर्रा पे हर रोज़ वो सुबह सवेर आते हैं और पूरे 24 आवर वो साथ रहते हैं और रोडों पर काम करते रहते हैं। आप कहीं पर भी ऐसी निशानदेही आप करें, अवाम जो भी अवामी शिकायत हैं आप उसको मीडिया भी लाएं। मैं आपके तवसल से, सब दोस्तों के तवसल से ये बात करना चाहता हूं कि जहां जहां पे ऐसी हैं कोई कमी पेशियां हैं उनको मीडिया पर लाएँ ताकि कम से कम उसको या हमें आपको बनना होता है। अगर 100 रुपये की चीज़ पिछले साल जो 100 रुपये की थी अब 110 रुपये की पड़ रही है तो उसमें कोई कारोबारी आदमी का कोई कसूर नहीं है। हाँ, रमज़ान के अंदर जो बचत बाज़ारों का सिलसिला पाकिस्तान के अंदर चल रहा है या खसूसी तौर पर हैदराबाद में चल रहा है वो एक अच्छा इकदाम है, जिसके अंदर कंपनी साल के अंदर एक महीना अपने आप के मुनाफों को छोड़ के बल्कि अपने आप से भी कंट्रीब्यूट करके आवाम की खिदमत करने के लिए हमकिनार रहती है और वहाँ पे खड़ी रहती है और कोशिश करती है कि जो हमारे पास 100 रुपये की चीज़ पड़ रही है वो 90 रुपये की चीज़ हम उसको आवाम को दे सकें ताकि गरीब हो या अमीर हो। सर, हम देखते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया एक लिस्ट निकालती है और ताजिर उस लिस्ट के ख़िलाफ़ जाता है, आखिर क्या वजह है कि दोनों के दरमियान एक गैप बहुत बड़ा है?
देखिए जी, मैं भी कोई एक लिस्ट निकाल सकता हूँ ज़िले इंतज़ामिया के लिए जिसके ऊपर बहुत सारे केसेस हों, जिसके ऊपर बहुत सारे करप्शन चार्जेस हों, बहुत सारे ऐसे मसले हों जिसपे हम हैदराबाद चैम्बर भी बात कर सकता होता है किसी ऑफिसर के लिए। लिस्ट निकालने का मकसद नहीं है, मकसद ये है कि हमारे मसाइलों को समझना इम्पॉर्टेंट है। हमारे इंतज़ामिया ने लिस्ट निकाल दी, हम कहते हैं कि जी हमारी ख़रीदारी भी देख लें कि हमें कितने की पड़ रही है और हम कितने की बेच रहे हैं, और उस जो ख़रीदारी की कीमत है उससे कम कैसे कोई दुकानदार बेच सकता है, बेच नहीं सकता। तो उसकी वजह से वो हम एहतजाज पे जाते हैं कि जी ये लिस्ट ख़राब है, गलत है, हमारे साथ बैठ जाएँ। कारोबारी उस लिए करता है कि वो मुनाफ़ा कमा सके, अपने घर पर बीवी बच्चों का पेट पाल सके। अगर उसको मुनाफा ही नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा फिर? यानी आप हिस्सा हूँ, मैं भी उधर बैठा होता हूँ मीटिंग के अंदर और हम आवाज़ उठाते हैं। अब जो लिस्ट उन्होंने प्राइस डेयरी की दी थी 180 रुपये लीटर की, बाड़े से दूध उनको 180 रुपये का पड़ता है, अब मुझे बताएं डेयरी 180 रुपये में कैसे बेचेगी? फिर आप छापे भी देखते थे ज़िला इंतज़ामिया की, बात यह है कि वो भी लाजमी सी बात है हुकूमत की हिस्सा है, उनके ऊपर भी उनको भी नौकरी करनी है, उनको अपर अथॉरिटी कहते हैं कि जाके जी रेट को बंद करो, बात यह नहीं है। बात यह है कि प्रैक्टिकली समझना चाहिए कि हो क्या रहा है, ग्राउंड क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर रेट करना चाहिए। जब हमारे साथ मीटिंग हुई प्राइस लिस्ट के अंदर, हम लोग आए, हमने उस 180 रुपए को बढ़ा के 200 रुपए उनको समझाया और उनको मैकेनिज्म समझाया, वो 200 रुपए का लीटर हो गया, और 200 रुपए लीटर होने के बाद वो 200 रुपए की बिकना शुरू हो गया दूध। ना आपने डेयरियों पे छापे आपको नज़र आ रहे होंगे, ना आपको डेयरियाँ सीरोती में नज़र आ रही होंगी। तो मसले को समझना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हल करना मज़ेदारी है। अच्छा, तेल जो है वो बहुत नीचे गिर चुकी है, पेप्सी को रिप्लेस कर रही है गोरमे, पाकिस्तान की कंपनी है, उसकी जो कोक बना रहे हैं गोरमे कोक या नेक्स्ट कोला जो है पाकिस्तानी प्रोडक्ट है वो तो रिप्लेस कर रही है। ये तो एक मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है और पाकिस्तानी आवाम को पहले ही मेड इन पाकिस्तान को अप्रिशिएट कराना चाहिए था, जो पाकिस्तान में बनती है उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। बनना होता है, अगर 100 रुपये की चीज़ पिछले साल जो 100 रुपये की थी अब 110 रुपये की पड़ रही है तो उसमें कोई कारोबारी आदमी का कोई कसूर नहीं। दो हमने दोनों मेहमानों से बात की है जिनके अंदर काशिफ खान शोरो जो कि मेयर हैदराबाद थे, अजील सद्दीक जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेड थे, उनसे हमने बात की है और दोनों बातें यानी कि दोनों का मौके जाने की कोशिश की है। इस हवाले से अजील सद्दीक साहब ने जो यानी कि जो यानी कि गुफ्तगू हुई वो काफ़ी प्रैक्टिकल नज़र आई, और बहरहाल ये जो गवर्नमेंट की मशीनरी होती है वो अपने तरीके से काम करता है, एक मैकेनिज्म होता है। बहरहाल महंगाई बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको कम करने के लिए ज़िले यानी कि बलदियात यानी कि इंतजामिया की तरफ से एक अधीन सी कोशिश है जिसको सराहना चाहिए। गुफ्तगू आप जो है व्लॉग के अंदर देखेंगे, कल जो हमने रिकॉर्डिंग की थी व्लॉग के हवाले से वो भी इंशाल्लाह आप इसी व्लॉग में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ उसामा शेख और आप देख रहे हैं उसामा शेख यूट्यूब चैनल। दोस्तों रमज़ान है तो ये बात ही अशय खुदनोश में बेताशा इजाफा हो जाता है। आवाम को सहूलत देने के लिए मुख्तलिफ़ एन जी ओज़ की जानिब से सहूलत बाज़ार लगाया जाता है, और इस वक्त में जहाँ मौजूद हैं वो सहूलत बाज़ार लगाया गया है जनाब काशिफ शोरो साहब जो कि मेयर हैदराबाद हैं। इस बाज़ार की काफ़ी पब्लिसिटी की गई है, आपने चौराहों पर सड़कों पर देखा होगा काशिफ शोरो साहब की तस्वीरें भी लगी हुई हैं, और बाहर भी काफ़ी पैनाफ्लिक्स पर खर्चा किया है। अब हम देखते हैं कि यह वाकई यहाँ पर जो है सस्ता मिल रहा है नहीं मिल रहा, और मेयार क्या है यहाँ पर, और देखते हैं यहाँ पर मिल के क्या रहा जो है। दोपहर के तकरीबन 12:25 हो रहे हैं और बाज़ार का ये हाल है, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है। आटे का जो स्टॉल है यहाँ पर आटा ही गायब है, लगता है गायबाना दस्तियाब है, या फिर ये भी जो है आम ताजरों की तरह आराम से 2 या 3 में जाएंगे। इस वक्त जो है बच्चे भी आए हुए हैं अपने वालदेन के यानी कि वालदेन अपने बच्चों के साथ आए हुए ख़रीदारी करने के लिए, और फैमिलीज़ वगैरह जो स्कूल से फारिग हुई वो भी आ रहे हैं, और देखते हैं रेट क्या मिलने और बाज़ार के रेट से उम्मीद करते हैं कि कम ही मिले। अभी तकरीबन 1 बज चुका है और आवाम की तादाद भी बहुत कम है। मेरे कप में अगर आप देख रहे हो तो बस सामान अभी आ ही रहा है, और सुबह 10 बजे की टाइमिंग थी और इस वक्त 1 बज रहा है और बाज़ार अभी खुल ही रहा है। कल कहने में कह रहे हैं कि बाकायदा इफ्तिताह होगा काशिफ शोरो साहब की तरफ से, लेकिन अभी जो है सामान बिक भी रहा है लग भी रहा है, और अभी म्यूनसिपल कमिश्नर भी अपने यहाँ बैठे हुए हैं और इंतजाम का जायज़ा ले रहे हैं।